क्या सलार रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है तो डंकी सलार के सामने कहीं टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। शाहरुख खान की डंकी बहुत बौनी लग रही है सलार के सामने। सलार का जो अभी तक का कलेक्शन निकल कर आ रहा है उसे साफ देखकर लगता है कि डंकी वहां तक पहुंचने में महीनों लग सकते हैं डंकी के। तो क्या है सलार का और डंकी का कलेक्शन? डंकी रिलीज हुए आज 5 दिन हो चुके हैं। मैं आपको दोपहर तक का कलेक्शन आज 5वां दिन का रखूंगा और सलार रिलीज हुए आज 4था दिन हो चुका है। तो सलार का मैं 4 दिन का कलेक्शन जो दोपहर तक का है वो मैं आप सबके सामने रखूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो चलिए भी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वो कहते हैं ना कि तूफान के आने के पहले की शांति जो रहती है और जब तूफान आता है तो अपने साथ सभी चीजों को उड़ाकर साथ में ले जाता है। तो बिल्कुल सैलार भी यही कर रहा है। सैलार तूफान की तरह आया और जो जो मूवी रिकॉर्ड अपना बना रही थी उन सभी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए काफी आगे सैलार निकल गया है। वो हमें पहले दिन से डे 1 से ही पता चल रहा था जिस तरह से डे 1 में सैलार ने कलेक्शन किया था। तो चलिए बात करते हैं डंकी की। तो डंकी का पहले दिन का कलेक्शन क्या रहा है वो आपको मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो पहले दिन का कलेक्शन 28 करोड़ रुपए डंकी का रहा था। दूसरे दिन 20 करोड़ रुपए नीचे आई, डाउन हुई, 20 करोड़ रुपए पर आकर पटक गई। तो तीसरे दिन थोड़ा अप हालांकि देखने के लिए मिला 25.61 करोड़ रुपए और चौथे दिन थोड़ा अप जरूर हुई 31.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन। और पांचवें दिन यानी कि दोपहर तक का अभी तक यानी कि 2 बजे तक का कलेक्शन मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूं डंकी का 7.79 करोड़ रुपए का कलेक्शन दोपहर तक का भी पूरी रात हालांकि बाकी है। और अगर मैं आज का कलेक्शन भी जोड़ दूं तो 112.9 करोड़ रुपए का कलेक्शन डंकी का चौथे दिन दोपहर तक का निकल कर आ रहा है। और सबसे ज़्यादा डंकी के शो जो है वो इवनिंग में देखे जा रहे हैं। मॉर्निंग में मात्र 27.01% द्वारा लोगों को देखा जा रहा है तो वहीं आफ्टरनून में 52% लोग देखा जा रहा है। तो इवनिंग में सबसे ज़्यादा लोग 64% लोग देखने आ रहे हैं। तो नाइट में 52% लोग देखने आ रहे हैं। तो इवनिंग में काफ़ी शोज देखे जा रहे हैं। तो वहीं हम सलार की बात कर क्या ही सलार की बात करें। सलार तो एक अलग रिकॉर्ड बनाने में लगा हुआ है। तो सलार ने पहले दिन ही 95 करोड़ रुपए कमाए थे और एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तो दूसरे दिन सलार हालांकि डाउन हमें देखने के लिए मिला है 56.35 करोड़ का कलेक्शन देखने के लिए मिला। तो तीसरे दिन हालांकि अप हुई 62.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन। और अभी 2 बजे तक का दोपहर तक का जो सलार का कलेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है 18.07 करोड़ का कलेक्शन निकल कर आ रहा है। और मैं अभी दोपहर तक का सलार का जोड़ दूं तो अभी 231 करोड़ रुपए मात्र 3 दिन में पार कर चुके हैं। और दोपहर का जोड़कर 231 करोड़ रुपए पार कर चुके हैं। अभी पूरा रात पूरा शाम अभी बाकी है तो देखते हैं आगे क्या सलार करने वाला है। और आसपास में डंकी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है डंकी को यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी दिन लग सकते हैं। तो सलार के सामने डंकी टिक कहीं आसपास में टिक नहीं रहा है, काफ़ी बौना साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। तो सलार एक अलग ही लाइन में जा रहा है, एक अलग ही तूफानी मचा रहा है, बॉक्स ऑफिस स्क्रीन को फाड़ने में लगा हुआ है। तो अब देखते हैं वीकली कलेक्शन क्या रहने वाला है वो देखते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।